नमस्कार, फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अतुल पाठक। TV24 के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक जोशी। यूं तो हम दीपक जोशी को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर जानते आए, लेकिन आज दीपक जोशी की आइडेंटिटी कांग्रेस के साथ जुड़ चुकी है, उस कांग्रेस के साथ जिसके साथ वो कभी भी सहज महसूस नहीं करते थे, लेकिन अब कांग्रेस उन्हें रास आ गई है और कांग्रेस को दीपक जोशी रास आ गए। इतिहास तब बदला जब दीपक जोशी बीजेपी से नाराज हुए और अपने पिता की तस्वीर लेकर भावुक माहौल में कांग्रेस पहुंचे। आखिर दीपक जोशी ने कांग्रेस का दामन क्यों थामा? आज की राजनीतिक दशा और दिशा में उनके विचार क्या है? बदलती परिस्थिति में बदलती विचारधारा के साथ वो कैसा महसूस कर रही है? उनकी राजनीतिक यात्रा यहाँ तक कैसे पहुंची? ऐसे तमाम पहलू हैं जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दीपक जोशी जी, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दीपक जी। आपकी आइडेंटिटी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले आपने हमीदिया कॉलेज का प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव जीता। आपको विरासत में भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा मिली और वो जो यात्रा शुरू हुई वो कांग्रेस पर जाकर थम गई। यहाँ से अब नई यात्रा की आप शुरुआत कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं राजनीति में कोई वंश परंपरा से नहीं आया जी। जब मैं कॉलेज में प्रथम वर्ष में प्रवेश में हुआ था हमीदिया कॉलेज में, तब मेरी रैंकिंग महज इसलिए ली गई थी कि मैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का लड़का था। तभी मैंने तय किया था कि इस कॉलेज से रैंकिंग को समाप्त करूंगा और अपने आपको स्थापित करूंगा, ऐसा स्थापित करूंगा ताकि लोगों को, छात्रों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और मुझे लगता है कि पहली मंजिल मैंने बहुत अच्छाई से अपने कार्यकर्ता साथियों के माध्यम से प्राप्त की और मैंने उस रैंकिंग को, जो हमीदिया कॉलेज में नाम नहीं सुनाई देता आज की तारीख में, उस रैंकिंग को वहाँ से समाप्त किया। तो मुझे लगा कि पहले उद्देश्य में मैं सफल हुआ। मैं चूँकि पिताजी पार्टी में थे इसलिए पार्टी से स्वाभाविक रूप से जुड़ गया और लगातार काम करता रहा। और मैं उस दौर का कार्यकर्ता हूँ जिस दौर में मेरे ख्याल से भाजपा का कोई भी नेता अपने परिवार के किसी व्यक्ति को राजनीति में डालना चाहता था। मेरे टाइम का समकक्ष एक या दो नाम होंगे छोटे मोटे, लेकिन कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसने अपने आप को राजनीति में, सत्ता के साथ से बहुत से लोगों ने स्थापित करने का प्रयत्न किया, लेकिन विपक्ष में रहकर मैंने अपने आप को स्थापित करने का जो प्रयत्न किया, शायद वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत कम परिवारों में देखने को मिलता है। उस विचारधारा के साथ साथ पिता के विचारधारा भी मेरे पास थे, क्योंकि आपको पता है कि पिता के विचारधारा एक सुचिता के और एक कहीं ना कहीं इस प्रकार के व्यक्तित्व के रहे जिसमें सरलता, सादगी जुड़ी होना चाहिए। तो उस व्यवहार को भी हमने अपने जीवन में अपनाने का प्रयास किया। और मैं जानता हूं कि बहुत सी बार लोग सहजता से कह रहे थे कि आपके साथ आपके पिता का नाम जुड़ा, इसलिए आप पार्टी में कुछ नहीं कर पा रहे। तो मैं पार्टी में किसी पद पे नहीं रहा, मैं युवा मोर्चे का काम काफ़ी समय तक करता रहा, पार्टी का काम काफ़ी समय तक करता रहा। ये जरूर हुआ कि 2003 में पिताजी जब विधानसभा चुनाव नहीं लड़े थे, बोलो राज्यसभा के सदस्य थे, तब पार्टी ने मुझे बागली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का टिकट दिया, मैं चुनाव जीता। 2008 में बागली रिजर्व होने के कारण, अनुसूचित जनजाति के कारण, मैं हाटपिपिया से चुनाव लड़ा, जो हमारा गृह जिला है, गृह नगर है, उससे चुनाव में लड़ा। 2008 का चुनाव, 2013 का चुनाव लड़ा, 13 में मैं मंत्रिमंडल में भी आया, एक अच्छे जिम्मेदार विभागों के मैंने मंत्रिमंडल में वो भी कार्य भी संभाला। लेकिन 2018 के बाद जब चुनाव हुआ तो चुनाव में मैं चुनाव हारा। चुनाव हारने के बाद पार्टी का परिदृश्य भी लगभग बदलता गया, क्योंकि जो ठाकरे जी, प्यारेलाल जी, पटवा जी, जोशी जी, एक लंबी विरासत के साथ पार्टी काम कर रही थी। उस विरासत को लगता है कि समझने का या सहेजने का काम जो उनके उत्तराधिकारी के रूप में हम कह सकते हैं कि नरेंद्र सिंह जी तोमर को हम ले लें, फिर उसके बाद प्रभात झा जी को ले लें, नंद कुमार सिंह चौहान को ले लें, राकेश सिंह जी को ले लें, राकेश सिंह जी तक तो कुछ हद तक पार्टी में वो अंश जिंदा रहा, लेकिन राकेश सिंह जी के हटने के बाद जब नया नेतृत्व आया तो उसने पूरे प्रदेश को, परिदृश्य को बदलने का प्रयास किया। वो परिवार जो पांच पांच पीढ़ी से काम कर रहे थे सिर्फ इस विश्वास के साथ
कि हम अपनी विचारधाराओं को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाएंगे। उन परिवारों के जो बात करने पे मुझे पता चलता था कि बहुत सी बार पार्टी के नेताओं का व्यवहार आचरण उनकी विचारधारा से कई मेल नहीं खाता था। वो हमसे शिकायत करते थे, बोलते थे देखो दीपू भैया फलानी जगह ऐसा हो गया, ढिमकी जगह ऐसा हो गया। सुन सुन के मुझे लगा कि मैं इस वैचारिक अंतर्द्वंद में हम अपने आप को कहाँ पाते हैं। तो कितनी बार हमें लगता था कि पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं वो काम तो कर रहे हैं लेकिन धारा के विपरीत कर रहे हैं। जो पार्टी के स्थापित विचार थे उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा, और तोड़ने के प्रयास के साथ साथ जब हमने देखा कि एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट के लिए सरकार गिरते देख रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री, विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ बहुमत नहीं होते हुए अल्पमत की सरकार को बनाने का प्रयास जिस प्रकार से एक तंत्र के माध्यम से किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से लगता कि कहीं ना कहीं लेन देन का बात आई। उस लेन देन को चूंकि मैंने बहुत नजदीक से देखा, तो उस लेन देन को देखने के बाद मुझे लगा कि पार्टी अब हम ले कहाँ जा रहे हैं। क्या पार्टी को हम एक तरफ अटल जी थे जिन्होंने एक वोट से केंद्र की सरकार खो दी, दूसरी तरफ हमारे पास 10-12-15 विधायक नहीं है तो हम फिर भी जबरदस्ती सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और सरकार बनाने के बाद भी कोई भी आ जाओ और आने के बाद आपको ये सुविधा दी जाएगी, ये ऑफर दिया गया, तो मेरे को लगता है कि बाजार का वातावरण हो गया। जी मैं आपको ये तो 2020 में हो गया, ये 2023 में आपके अंतरात्मा कैसे जाए? नहीं, मैंने बताया लगातार ये चीज देख के मैं अपने आप को कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि पिताजी का एक विरासत थी लंबा वो था, उसके आधार पे चाहे रीवा हो, चाहे हमारा टीकमगढ़ हो, चाहे भिंड मुरैना हो, चाहे खंडवा हो, चाहे खरगोन हो, लगातार लोग मुझसे कहते थे कि क्या हो रहा क्या हो रहा। मैं भी संत धर्म में था, लेकिन बाद में जब पिताजी की विरासत में लगातार मैं कोई पद के लिए इन नेताओं के पास नहीं गया, मैं शिवराज सिंह चौहान, बी डी शर्मा, हितानंद जी पास जाकर ये बात बताता रहा कि मेरे पिताजी का स्मारक हाटपिपलिया में बन रहा था। वो स्मारक आज भी पूर्ण नहीं है, लगभग 30 महीने से ज़्यादा का समय इसको हो गया, क्योंकि 24 नवंबर 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने उसका शिलान्यास किया था, आज तक वो अपूर्ण है। मैंने दूसरी तरफ देखा कि शिवराज जी मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में उनके पास आवास रहेगा, उस आवास के बगल में नंद कुमार सिंह जी चौहान का मकान था, उसको तोड़कर अपनी सुख सुविधा के लिए उसका विस्तार कर रहे, क्योंकि मैं भी मुख्यमंत्री का लड़का रहा, और मुख्यमंत्री के लड़का रहने के साथ जब मेरे पिताजी ने इस्तीफा दिया तो हमको ही खुली जेब में ले जाकर 3 कमरों के मकान में एमएलए रेस्ट हाउस में पटक दिया था उन्होंने ले जाकर, जबकि हम 4 भाई बहन थे, इनके पास तो बहुत बड़ा बंगला है। तो इतनी बड़ी सुख सुविधा जुटाने का काम मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कर रहा, दूसरी तरफ वो कह रहे कि मैं चुनाव आयोग में कि 9.5 करोड़ की उनकी संपत्ति है। जिस व्यक्ति के पास 84-85 का परिदृश्य जो भोपाल का जानता है, जिन्होंने यहाँ की राजनीति देखी, वो नजदीक से जानते हैं कि शिवराज जी क्या थे, उनकी हैसियत क्या थी। आज उस हैसियत में मेरे पिताजी भी रहे हैं, लगभग 55 साल वो भी संवैधानिक पदों पर रहे, 15 साल मेरा, 70 साल का हमारा पारिवारिक है, लेकिन हमारे पास 3 कमरे का मकान है और वो 9.5 करोड़ की संपत्ति दिखा रहे। लड़कों का तो खैर अलग ही है कि वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहे, विदेशों में पढ़े, हम शिशु मंदिर में पढ़े, तो क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी एक तरफ शिशु मंदिर की तारीफ करते, दूसरी तरफ कहते हैं कि लड़के हमारे दूसरे स्कूलों में पढ़े ताकि विदेश में जाके पढ़ाई करें। क्या मध्य प्रदेश या देश में कोई ऐसा शैक्षणिक संस्थान नहीं था जिसमें शिवराज जी के लड़के पढ़ सकते? तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पार्टी अपनी नीतियों से भटक चुकी है। एक तरफ तो बीजेपी में बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने देश के लिए परिवार नहीं बसाए, हमारे पिताजी परिवार के साथ रहे, लेकिन परिवार के साथ रहकर मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश ने देश के विरले राजनेता रहे जिन्हें राजनीति का संत का दर्जा दिया गया उनके व्यवहार के कारण। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दूसरी सरकार के नुमाइंदे जो हैं उनमें कोई को भी ले लो, हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बोलते हैं, उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे पिताजी, पटवारी रहे, इन प्रदेश अध्यक्षों को हमने देखा बसों में और उसमें यात्रा करते खुली जीपों में, लेकिन आज के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी फॉर्च्यूनर और फॉर्च्यूनर से छोटी गाड़ी में बैठने के लिए नहीं करते। पर आपके आप जिस पार्टी में शामिल हुए हैं उसके प्रदेश अध्यक्ष को हेलीकॉप्टर में चलते नहीं, देखिए वो उनकी विरासत क्या है। कमलनाथ जी एक बड़े औद्योगिक घराने के परिवार से आते हैं, उनके पास स्वयं की अपनी संपत्ति, उस संपत्ति का वो उपयोग कर रहे हैं, लेकिन
हम ऐसी संपत्ति जुटाए जो जनता के कामों में आने वाली थी, उसमें कहीं ना कहीं ढेला मारे। और वो इसलिए मुझे सही लगता है कि इस आरोप को मैं पुष्टि इसलिए कर सकता हूँ कि मुझे पूरे प्रदेश की राजनीति से मतलब नहीं, लेकिन बागली विधानसभा में 17.5 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री आवास घोटाला हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, पार्टी के सभी जिम्मेदारों से लगातार कहता रहा कि बागली जैसी जगह जहाँ जोशी जी को लोगों ने ईमानदारी के कारण वोट दिया, उस ईमानदारी पर लगातार चोट हो रही है, अब इसकी जाँच कराएं। लेकिन उस 17.5 करोड़ के घोटाले से एक इंडिवर, एक फॉर्चूनर गाड़ी गिफ्ट कर दी गई, तो मुझे लगा कि ऐसी स्थिति हो गई तो मैं अपने आप को बहुत असहज महसूस कर रहा था। ये 2-3 कारणों से मुझे लगा कि ये सब असहजता है। दूसरी तरफ आपको लगा कि मैं कांग्रेस में क्यों गया, तो कांग्रेस में जाने का मूल कारण जब मुझे कमलनाथ जी की तरफ देखता हूँ, तो कमलनाथ जी ने जब पिताजी का देहांत हुआ था, उस वक्त उन्होंने पिताजी के अंत्येष्टि का कार्यक्रम मुझसे पूछा था कि कहाँ होगा, तो मैंने कहा हाटपिपलिया में होगा। हाटपिपलिया में कहाँ होगा, तो मैंने कहा शमशान में। बोला शमशान में कैसे होगा, जोशी जी का तो कोई स्मारक बनना चाहिए। तो हमने कहा जोशी, हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा थोड़ी देर लेट कर सकते क्या आप, मैंने कहा बिल्कुल कर सकते। तो बोले हम कोई जगह सरकारी देखते हैं, वहाँ कर लिया ताकि उनका स्मारक बने। उन्होंने 3 मिनट के अंदर ये जमीन हमको दी थी, आज वहाँ 30 महीने में स्मारक नहीं बन पाया। दिग्विजय सिंह जी के पास में 1991 में भी जब मैं ईसी का चुनाव लड़ा था बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का, तब बीजेपी ने मेरा विरोध किया था, मुझे हराने का प्रयास किया था गुटबाजी के तहत, लेकिन मैं चुनाव जीत गया। एक युवा का जो होता है वो मेरे अंदर भी था, तो मुझे लगा कि बीजेपी ने जब हराने का प्रयास किया तो क्यों रहना। मैं दिग्विजय सिंह जी के पास गया था, वो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा मैं आपको नहीं लूँगा। तो मैंने कहा क्यों, बोले नहीं इससे जोशी जी की छवि खराब होगी। तो जोशी जी की छवि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी चिंता कर सकते हैं, लेकिन जोशी जी की छवि को लेकर वोट लेने का काम शिवराज जी और वीर शर्मा करते हैं, लेकिन जोशी जी के लिए काम करने का प्रयत्न नहीं होता। तो मुझे लगा कि मैं एक पुत्र के नाते कम से कम मुझे तो ये काम करना चाहिए कि उनकी विरासत को बचाने वाले जो लोग हैं, जो उनकी सहजता को पहचानते हैं, जो उनके कर्म को पहचानते हैं और उसको प्राथमिकता देते हुए उसका सम्मान करते हैं, तो ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। इसलिए मैं कांग्रेस में आया और कांग्रेस में आकर एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम करने का आरंभ किया, और मुझे लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी मेरे लिए अच्छी पार्टी है। पर जब आपने संघर्ष किया, जब आपके पिताजी ने संघर्ष किया, तब दिग्विजय सिंह की सरकार और उसी को उखाड़ फेंका जब आपके पिताजी प्रदेश अध्यक्ष थे, वो दौर दिखाया गया कि दिग्विजय सिंह की बंटा ढाल सरकार, और उसके बाद जब हाल ही में कमलनाथ की सरकार बनी 15 महीने की सरकार, तब भी सबने नजारे देखे, ट्रांसफर पोस्टिंग और जिस तरह की स्थितियां, तो कोई बीजेपी से अलहदा कोई व्यवस्था बनी हो, कोई बहुत विशिष्ट तरह से सरकार चलाई गई हो, ऐसा नहीं लगता? वो भी तमाम तरह के विवादों से, इसी तरह के लेन देन के आरोपों से घिरी रही। देखिए दिग्विजय सिंह जी का जो कार्यकाल था 10 साल का, उस कार्यकाल के दौरान राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते जो पार्टी निर्देश देती थी उसका हम पालन करते थे। लेकिन दिग्विजय सिंह क्योंकि मुझे लगा कि अच्छाई को पसंद करते हैं, तो अच्छाई को पसंद करते हैं, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं मैं आपको कांग्रेस में नहीं लूँगा। आज क्या बीजेपी के किसी नेता में विजन है आप बता दीजिए? एक भी सांसद उनके यहाँ खड़ा हो जाएगा, फट से उसको ले लेंगे, बिना कहे ले लेंगे। और आज मध्य प्रदेश की स्थिति बीजेपी की आप देखिए, जहाँ बीजेपी ने खरीद खरीद के लोगों को थोपा, वहाँ क्या स्थिति हो गई पार्टी की। आज अगर हम एक विचारधारा की बात करें, तो विचारधारा आधारित पार्टी बीजेपी नहीं बची कांग्रेस में। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि विचारधारा और विजन दोनों चीज़ें काम कर रही है। कांग्रेस का जो पहला चुनाव, गांधी नेहरू परिवार को लोग कहते हैं कि राजनीति में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, हम नेहरू जी को देख लें। अभी मैं बात करता हूँ रोजगार की, आज नेहरू परिवार ने देश में इतने इतने बड़े बड़े कल कारखाने लगाए। भोपाल में एक पहचाने बीएचईएल की 30,000 लोगों को रोजगार देती, भिलाई स्टील प्लांट 30,000 लोगों को रोजगार देता। कांग्रेस ने ये कोशिशें करी, लेकिन बीजेपी ने क्या कोशिशें करी? जोशी जी आप विचारधारा की बात कर रहे हैं, आप जिस विचारधारा में पल्लवित पोषित हुए, जहाँ पर आपके पिताजी ने काम किया, आपका पूरा जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण दौर जहाँ बीता, जिस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जिनका नाम आप दे रहे थे दिग्विजय सिंह, वो कहते हैं कि साधु संत जो है पाखंडी है, फ्रॉड है, लव जिहाद की वो एक अलग परिभाषा देते हैं, कांग्रेस में कर्नाटक की सरकार बनती है तो लव जिहाद का कानून हटा देते हैं। एक आम हिंदू जो इन
चीजों को देख रहा है, समझ रहा है, उद्वेलित है उन मुद्दों पर, ये कैसी सियासत, ये विचारधारा आपको रास आ रही है? नहीं देखिए, जब वो कर्नाटक के चुनाव के समय हिजाब का विवाद शुरू हुआ था और बाद में बजरंग बली की एंट्री हुई थी वहाँ पर, कांग्रेस ने अपनी बातें रखी, बीजेपी ने अपनी बातें रखी, चुनाव का परिणाम आ गया, चुनाव के परिणाम के बाद जनता ने बीजेपी को नकारा और कांग्रेस को स्वीकारा। तो कांग्रेस को स्वीकारने का मतलब ये था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं लिबरल, आज हम देश के कानून को देखें तो देश के संविधान निर्माता ने हमारे सब धर्मों को समान माना है, किसी को अलग नहीं माना। हाँ ये जरूरी है कि सरकारों ने समय समय पर किसी विशेष धर्मों को विशेष अधिकार दिए, उनका क्या हुआ कैसा हुआ उस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन कर्नाटक के चुनाव में जिस प्रकार की बातें आई उसको जनता ने नकारा, तो जनता की स्वीकार्यता पे अगर आप बात करते हैं तो फिर पूर्ववर्ती जनता को भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा। आप क्यों फिर गांधी नेहरू परिवार को गाली बकते, जनता ने स्वीकार किया उनको लगातार 50 साल, तो वो अपने सत्ता में रहे, आज आपको स्वीकार कर रहे तो आप भी जनता की स्वीकार्यता पे है। तो मेरा ये कहना, जनता की स्वीकार्यता को हम किसी प्रकार का वो नहीं कर सकते, लेकिन आज जो बात उठाई जा रही कर्नाटक के परिप्रेक्ष्य में, तो कर्नाटक में चुनाव जनता ने कांग्रेस को दिया, तो कांग्रेस उस मैंडेट पे काम कर रही है, कांग्रेस उस मैंडेट के खिलाफ तो काम नहीं कर रही है। दिग्विजय सिंह के बयान को नहीं, दिग्विजय सिंह जी का बयान मुझे इसलिए कहने के तथ्य परक लगता है कि आज जिस प्रकार से इन साधु संतों का उपयोग कब होता, अच्छा आप बताइए, कथाएं तो अभी हो रही है, 5 साल में तो कोई कथा नहीं हुई, 5 साल में कोई कथाएं हुई क्या? चुनाव के दौरान ही कथा होती है, और कथा करके सिर्फ वो भीड़, क्योंकि ये नेता भीड़ अपने आप अपने दम पे आयोजित नहीं कर सकते। मेरे पिताजी ने 5, 10 चुनाव, 8 चुनाव लड़े, मैंने 3 चुनाव में आज तक कथा नहीं करवाई, क्योंकि मुझे जनता पे भरोसा है, मेरे काम में भरोसा है, हम काम के भरोसे चुनाव मैदान में उतरे ना। तो इस प्रकार तो दिग्विजय सिंह जी का बयान उस परिपेक्ष में था। आप जिहाद को भी समर्थन करते हैं? नहीं, जिहाद का तात्पर्य क्या है, एक तरफ बहुत सी जगह हमने संबंध देखे हैं कि हुए हैं, उस संबंध आज भी चल रहे हैं, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी में चल रहे हैं, तो उस पीढ़ी को हम जिहाद कैसे कह सकते, हर चीज को हम जिहाद की श्रेणी में नहीं खड़ा कर सकते। विवादों को लगातार बढ़ावा देना और बढ़ावा देकर उसमें नमक मिर्च छिट करके जनता में परोसना, ये शायद बीजेपी ने अपना काम बना लिया, और उसी काम को कुछ लोग समर्थक बनकर लगातार जनता में प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास करते हैं। तो मुझे को लगता है कि देश की वो व्यवस्था जिसमें हम तो सनातन संस्कृति में आए, और सनातन संस्कृति तो हमेशा शांति का संदेश देती, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, तो हम उस चीज की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम इस चीज को करते हैं, तो क्या ठीक है? इसको ठीक करने के लिए हमारे देश की संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के, अगर संविधान में हमको थोड़ा सा ये लगता है कि गलत है तो उसका संशोधन करने का सरकार का अधिकार है, सरकार उसको करे ना, उसका कानून के खिलाफ तो कांग्रेस कभी नहीं गई, कांग्रेस ने अपनी बात जरूर रखी है, मुखरता से रखी है, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो चाहे कोई भी हो, लेकिन आज हमारे देश प्रदेश में जिस प्रकार की स्थिति है उस परिस्थितियों में हमको कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि ये भारत जो शांति के लिए अपनी पहचान स्थापित कर सका उसको धर्मों पे बांटने और तोड़ने का अधिकार हमको नहीं करना चाहिए। आपका मोह भंग शिवराज जी और वीडी शर्मा से ही हुआ है, नरेंद्र मोदी अमित शाह सबसे हो गया? नहीं देखिए, मेरे नरेंद्र मोदी जी अमित शाह तक तो मैं पहुंचा नहीं हूँ, उनके तक मैं बात कर नहीं सकता, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि शिवराज जी और वीडी शर्मा ये स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश में आज जो बीजेपी की स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार है। इन दोनों व्यक्तियों ने मध्य प्रदेश को और बीजेपी को मेरे ख्याल से इस हद तक डैमेज कर दिया कि आने वाले समय में सालों लग जाएंगे तब ये प्रदेश खड़ा होगा, सालों लग जाएंगे तब ये बीजेपी। पर आपके यहाँ आने का फायदा ये हुआ कि बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया, पुराने नेताओं को तवज्जो मिलने लगी है, उनके साथ बातचीत हो रही है, जिला स्तर पर शिवराज जी वन टू वन बातचीत कर रहे हैं, तो बीजेपी तो अपने आप को संभाल रही है, आपने सबक दे दिया बीजेपी को, मौका दे दिया संभलने का। नहीं, बीजेपी अगर इसको सबक मानती तो अच्छी बात है, मुझे तो ये लगता है कि मैं तो उन लोगों की आवाज़ था जो पार्टी की विचारधारा से सालों साल जुड़े थे, जिनको कुछ नहीं मिला था, अगर पार्टी वहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में काम नहीं कर रही है, क्योंकि जो नेता हैं जो नेतृत्व करता है वहाँ तक अभी पहुँच ही नहीं पाए हैं, और वहाँ पहुँचने में उनको बहुत समय लगेगा, क्योंकि ठाकरे जी, प्यारेलाल जी, जोशी जी, पटवारी जैसी स्थिति में अभी लोग बन नहीं सकते, ये बहुत अपने आप को उच्च मानने लगे। पर अभी छिंदवाड़ा के चुनाव से बड़ी उत्साहित, एक वार्ड जीती है बीजेपी, उसने कहा सभी बूथ जीत लिए, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी फेस थे, और ये जो संदेश है ये बता रहा है कि 200 पार का नारा। नहीं, 200 पार का नारा अगर पूरा है तो बागली जैसी सीट जो 50 साल से कांग्रेस नहीं जीत पाई,
आज उसी के एक नगर पंचायत चुनाव में जहां 50 साल से वो वार्ड भी कांग्रेस ने जीती थी, आज ही दिन वो वार्ड कांग्रेस जीती है और भारी बहुमत से जीती, अच्छे मतों से जीती। तो क्या हम भी कह सकते हैं कि 200 पार का नारा हमारा भी हो सकता है? तो नारे पे चुनाव नहीं जीते थे, कामों पे चुनाव जीते जाते। और खास करके मेरा ये कहना कि ऐसे नारे, और मध्य प्रदेश में तो नारे के साथ साथ वादे और वादों के साथ भी इस प्रकार की बातें जो तार्किक नहीं हो सकती, जो संभव नहीं है, उनको करने का प्रयास जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जनता आज शांति को चाहती है, और जिस प्रकार से विजन मध्य प्रदेश के लिए कमलनाथ जी ने प्रस्तुत किया, 15 महीने की सरकार में उन्होंने क्या नहीं किया? पहला उनका वादा था कि मैं किसानों के 2 लाख तक के कर्जे माफ कर दूंगा। दिसंबर से लेकर मार्च तक तो उनके पास बजट नहीं था, वो तो पूर्ववर्ती सरकार का बजट था। अप्रैल में जब वो सरकार में बैठे तो 27 लाख लोगों का 50,000 रुपये तक का कर्जा माफ हुआ। ये विधानसभा में बीजेपी की सरकार ने अपने प्रश्नोत्तर में जवाब दिया। 80,000-90,000 वाले लोग भी मुझे मिले कि जिन्होंने कहा। अब उनके 15 महीने की सरकार चल नहीं पाई, तो आगे के वादे कैसे पूरे होंगे? तो इस दृष्टिकोण से वादे नहीं पूरे कर पाए, लेकिन जनता को आज लगता है कि कमलनाथ का विजन है और विजन के साथ वो काम करते हैं। कहीं ना कहीं दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि इनका विजन एक भटकाववादी है, कभी ये वादा कर देंगे, कभी वो वादा कर देंगे। प्रदेश की आज स्थिति देखिए, अभी कोई सर्वे बता रहा था कि मध्य प्रदेश 60 राज्यों में। तो क्या हम मध्य प्रदेश को उस दशा में चाहते हैं? एक तरफ हम कहते हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश, बीमारों से हमने उसको स्वस्थ मध्य प्रदेश बना दिया, लेकिन आज सबसे ज़्यादा अपराध यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा मातृ शिशु मृत्यु दर है, सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर है, शिक्षा में हम बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। और शिक्षा का पिछड़ापन का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि मुख्यमंत्री जी के लड़के विदेश में पढ़ रहे हैं? तो अब इससे बड़ा पिछड़ापन क्या हो सकता है? क्या मुख्यमंत्री जी के 2 लड़कों में एक लड़का ऐसा नहीं था मध्य प्रदेश में पढ़ सके? क्या मध्य प्रदेश में ऐसा कोई शिक्षण संस्थान भी जहाँ मुख्यमंत्री जी के लड़कों को जगह मिल सके? तो मुझे लगता है कि ये तो मध्य प्रदेश के साथ लगातार खिलवाड़ है, और अब खिलवाड़ के खिलाफ जनता तैयार है। मुझे लगता है कि जो भटकाव पार्टी में आ गया, उस भटकाव से कार्यकर्ता भी त्रस्त है, जनता तो त्रस्त है ही, क्योंकि जो वादे आज जनता से किए जा रहे हैं वो वादे जनता लगती है कि सिर्फ चुनावी वादे, महज एक चुनावी जिसे चोटला कह सकते हैं वो है, इससे जनता कहीं ना कहीं अब भ्रमित नहीं होने वाली और जनता कांग्रेस का साथ देगी, ये मुझे ऐसा लगता है। नहीं, पर आपके आने के बाद एक माहौल बना कि बहुत सारे बड़े बड़े नेता आने वाले हैं, बीजेपी में बहुत बड़ा असंतोष है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई असंतोष नहीं है। जो नेता आपके पीछे खड़े हुए थे वो शांत हो चुके हैं, वो अपनी पार्टी में संतुष्ट हो चुके, उनको बुला लिया गया, तो सारा डैमेज अब कंट्रोल हो गया, अब अकेला दीपक जोशी बलि चढ़ गया। नहीं देखिए, मैं बलि तो चढ़ने वाला नहीं हूँ, दीपक तो रोशनी करने वाला होता है, और दीपक की ये रोशनी मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश में आज भी घूम रही है। मेरे पास तो बहुत फोन आते हैं, क्योंकि वो लोग कोई पद पे नहीं रहे। मैंने कहा ना आपको, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने जनसंघ को बनाया, बीजेपी को बनाया, वो ना पद पे रहे ना प्रतिष्ठा पे रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस विचारधारा के साथ रहे। तो उसमें कुछ उदाहरण मैं दे भी सकता था, लेकिन आज मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो लोग आज भी कह रहे हैं कि हम साथ हैं। लेकिन 2-3 महीने के बाद आपको अगस्त सितंबर के आसपास एक बहुत बड़ा वातावरण लगेगा जो बीजेपी के खिलाफ हो गया। एक और बात यहाँ पे सामने आती है, आप कांग्रेस में आ गए, आप जता भी रहे कि आप तन मन धन पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है, लेकिन बीजेपी का एक बड़ा तबका मानता है कि दीपक जोशी बहुत दिन तक कांग्रेस की विचारधारा से तालमेल नहीं बैठा पाएंगे, एक दिन अंतरात्मा की आवाज पे परिस्थिति बदलते वापस अपनी पार्टी में अपनी मूल विचारधारा में। देखिए पाठक जी, मैं तो उस परिवार से हूँ जिसने सत्ता को सुख का साधन नहीं माना। मेरे पिताजी ने भी शायद हमको ये संदेश दिया कि सत्ता सुख का साधन नहीं है। मैं सुख से तो जुड़ना चाहता ही नहीं हूँ, जो आज की तारीख में लोग जुड़ना चाहते हैं, और जिस जोड़ा भी जाता है उनको सुख के साधन का वो देखे कि आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, तो सुख हमें नहीं चाहिए। हमें तो हमारे जो विचारधारा है, उस विचारधारा के माध्यम से जनता की अधिकतम सेवा कैसे की जा सकती वो करने का प्रयत्न होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ कर नहीं पा रहा था, जब मेरी कोई आवाज़ ही नहीं सुन रहा था, मैं वहाँ क्यों करूँ? आज यहाँ आवाज़ सुन रहे हैं, जिम्मेदार लोग मेरे बातों को ध्यान भी दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो काम मैं करूँगा। तालमेल का अभाव मेरे पास बिल्कुल नहीं है, मैं जब सुख के साधन के लिए नहीं, मैं लंबे समय तक विपक्ष में रह के काम करने वाला रहा, मैं तो छात्र राजनीति में, युवा राजनीति में, विपक्ष में रहा, तो मुझे किस प्रकार की इसकी चिंता नहीं है। और मैं इस विचारधारा में अब घुल मिल गया हूँ, खास करके मुझे लगता है कि देश जिसे हम भारत कहते हैं वो शांति का संदेश देने वाला देश है,
और इस शांति को संदेश को हम गांधी नेहरू और परिवार में निहित मानते हैं। किसी प्रकार का सजबाग या लजबाग दिखाकर जनता को भ्रमित करने का काम कभी कांग्रेस ने इनके नेतृत्व में नहीं किया। आज बीजेपी का नेतृत्व जिस प्रकार का देश में एक वातावरण पैदा करते हैं, खास करके ब्रांडिंग जिसे मैं कहता हूँ, ब्रांडिंग एक लॉन्चिंग और साथ में एक ऑफर, ये राजनीति में शायद बीजेपी ने शुरू किया। मुझे लगता है कि मैं उस चीज़ों के लिए नहीं बना हूँ, तो मुझे इस विचारधारा इस कांग्रेस के साथ रहना चाहिए। मैं लगातार साथ रहूंगा और मुझे लगता है कि अब मेरी अंतिम पार्टी भी कांग्रेस ही रहेगी। तो एक आखिरी सवाल, अंतिम पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस में नई यात्रा की शुरुआत, चुनाव तो एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है जीवन में, यदि आप राजनीति में है, सार्वजनिक जीवन में है, तो चुनाव लड़ना अवश्य भावी होता है। कांग्रेस भी आपको कहीं ना कहीं मैदान में उतारने का मन बना चुकी है, तो आपने बुधनी को प्रेफर किया था, वहाँ की तैयारी हो चुकी है या बागली से ही आप? नहीं, जब मैं कांग्रेस में आया था तब मैंने कह दिया था कि मैं कांग्रेस के उस कार्यकर्ता का हक नहीं छीनना चाहता जो कांग्रेस के लिए काम कर रहा, क्योंकि अभी 4.25 साल लगभग हो गया वो कांग्रेस के लिए काम कर रहा। वो कार्यकर्ता जो कार्य कर रहा था वो तो बीजेपी में आ गया। नेतृत्व के रूप में मैं शिवराज सिंह चौहान का मुकाबला कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शिवराज जी और हम लगभग समकक्ष हैं, उनके जो पैतृ हैं मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो उन पैतृ के आधार पर बुधनी, चूंकि हमारी बागली और कन्नौज विधानसभा से लगी हुई सीट है, तो वो उसकी तासीर को भी मैं समझता हूँ। तो मैंने पार्टी से कहा कि लड़ाना तो मुझे बुधनी से लड़ना, नहीं लड़ाना तो मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा, मुझे कोई सीट नहीं चाहिए, कोई पद और प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। तो आपको लग रहा है कि आप जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे उसके साथ कांग्रेस पार्टी अब सत्ता में आने जा रही है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो आप विभीषण बन रहे हैं या बीजेपी जैसा कि कहती है ज्योतिरादित्य सिंधिया विभीषण है, तो राम कौन है, रावण कौन है, ये कैसे तय होगा? देखिए, ना तो मैं विभीषण हूँ ना राम रावण के चक्कर में पड़ना चाहता हूँ, हम तो उनके परम सेवक है, जो उन्होंने अच्छाई का मार्ग बताया उस पर चलते हुए कैसे देश की जनता की सेवा कर पाए, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। ना हम विभीषण बनना चाहते हैं, ना राम रावण के विवाद में पड़ना चाहते हैं। राम जी ने जो संदेश दिया मर्यादित जीवन जीने का, वो प्रयत्न जरूर हम अपने जीवन में करने का प्रयत्न करेंगे। दूसरी तरफ हम कृष्ण को भी ले लें, तो उन्होंने कर्म की बात कही है। आज जो हमारा देश का प्रमुख संवैधानिक पद होता है प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री कर्नाटक जैसे चुनाव में सिर्फ बजरंग बली का नाम लेकर चुनाव जीतने का प्रयास करे, तो ना तो कृष्ण के कर्म की पूजा हो रही है, ना राम की मर्यादाओं की। तो आज विश्व के सबसे लोकतंत्र बड़े लोकतंत्र में मर्यादा और कर्म दोनों दूर होते जा रहे हैं, तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। इस दशा दिशा को ठीक करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। जैसा आपने देखा कि राहुल गांधी जी दक्षिण से लेकर उत्तर तक की बहुत बड़ी यात्रा पर निकले, बहुत बड़ा संदेश उन्होंने देश की जनता को दिया, तो ये कर्म होता है। कहीं ना कहीं इस प्रकार के कर्मों को अगर करने का प्रयत्न हो तो राजनीतिक में हमारी सार्थकता है, नहीं तो ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को अच्छी स्थिति में ले जाने वाला प्रयास नहीं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जोशी जी, आपने हमसे बात कही और खुलकर सवालों के जवाब दिए। तो दीपक जोशी अब कांग्रेस की रीति नीति और विचारधारा में रचते बसते नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से एक कार्यकर्ता के रूप में, कांग्रेस वर्कर के रूप में उन्होंने पार्टी का पक्ष रखा, अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में भी खुलकर बात की। निश्चित रूप से दीपक जोशी एक अच्छे राजनेता है और वो अपने मुकाम को हासिल करें, अपने भविष्य के लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ते रहें, ऐसी ही टीवी 24 की शुभकामनाएं हैं। फेस बियॉन्ड फेस में आज इतना ही, किसी नई शख्सियत के साथ अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।